धार में स्थिति हुई हमने देखा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी वो स्थिति बनती दिख रही है और आज क्या इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे आप लोग? नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना ये इकट्ठा मिलके चुनाव लड़ने वाली है और तीनों पार्टी में अच्छा तालमेल है। बिहार में जो हुआ आपको पता है कि किसकी वजह से हुआ, और महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है, तीनों पार्टी इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको लगता है कि बिहार जैसी स्थिति यहाँ नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। और सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला तय हुआ है अभी तक आप लोग का? सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, जो कैंडिडेट चुन जा सकता है जो भी पार्टी का, वो पार्टी को वहाँ पर टिकट। सर, ये इसके अलावा भी और मीटिंगें होंगी, कितनी मीटिंगों का दौर होगा? क्योंकि हमने देखा है दूसरी मीटिंग अभी तक अभी तौर पे एक मीटिंग पहले हुई, चार दिन पहले अभी दूसरी मीटिंग है, और इसके बाद में आज क्या फैसला होता है उसके बाद में और एक दूसरी मीटिंग होगी, उसके बाद में जल्द से जल्द हम लिस्ट दिख जाए। आज कितनी सीटों पर फैसला हो सकता है सर? सर, सवाल यह है कि जिन सीटों पर पहले से ही मतलब जो पार्टियां, जैसे शिवसेना के पास 18 सीटें थी, आप लोगों के पास 4 सीटें थी, तो उन सीटों पर कोई बातचीत नहीं होगी, उसमें जो जीता हुआ है वही रहेगा? ऐसा नहीं, इसमें आज की स्थिति में कौन सी पार्टी के पास अच्छा कैंडिडेट है और कौन सी पार्टी वहाँ से उसका कैंडिडेट चुन के ला सकती है, उसकी पर पूरा निर्भर करेगा। यानी कि उन 18 सीटों और आपकी 4 सीटों पर भी कुछ तय नहीं हुआ है अभी? है कि बहुत अच्छा हमारा तालमेल है, तो उसमें हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ जगह हमारी जो जगह थी हम छोड़ रहे हैं, कुछ जगह उनकी जगह थी हम ले रहे हैं। ऐसी वंचित को लेकर आज स्टैंड क्लियर हो जाएगा? वंचित के आज मिलने वाले, उनके लोग आने वाले हैं आज। राजू शेट्टी को लेकर भी कुछ चर्चा है सर? उनको लेने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू सर। मोबाइल चेंज किए क्या?